इन दोस्तों फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रैक्टिस सेट के सीरीज में आज हम लोग का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिल गया, उसमें कैसे कैसे हम लोग प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू करेंगे सारे की सारी बातें मैंने आपको बताई। तो देखो, अगर आप जब आप एक बार मैथ्स पढ़ लेते हैं या कोई भी सब्जेक्ट आप जब एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद बचता है आपका प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा स्किल आपके अंदर डेवलप्ड होगा। कौन सा फॉर्मूला को कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सा थ्योरम का यूज़ कैसे होगा, ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगा। थ्योरम को पढ़ लेना समझ लेना अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन में उसको अप्लाई करके एकदम तुरंत आंसर निकाल लेना, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। तो जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। और ये जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं इस भीषण गर्मी में अभी से, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि सर अभी तो कुछ है नहीं, ना तो एग्ज़ाम का डेट है ना कुछ, अभी तो इलेक्शन अब ख़त्म होने को आया, ठीक है, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, उसके बाद क्या एग्जाम के बारे में ही तो सोचेंगे हम लोग। तो हम लोग अभी से स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप लोग ना अभी से पढ़ना भी स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि सर जब है जब आएगा एग्जाम तब हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप सोच रहे हैं तो आप ठीक ही सोच रहे होंगे अपने बारे में, अपने बारे में कोई गलत नहीं सोचता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अपने अपने हिसाब से पढ़ा जाए, लेकिन मेरा एक सलाह रहेगा कि तैयारी जो है पहले से शुरू करने में ही भलाई है, तैयारी को पहले से ही शुरू किया जाए। अभी सही वक्त है, वक्त मिला है, टाइम मिला है, चाहे जिस भी रीज़न से मिला हो, जो भी रीज़न हो उसको छोड़ दीजिए, मिला तो सही, ठीक है। तो इसका पूरा पूरा यूज़ करिए। हम आपको रात दिन पढ़ने के लिए अभी नहीं कह रहे हैं, बस पाँच घंटा छः घंटा दीजिए, ज़रूर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, किसी भी तरीका का आपको कोर्स परचेज करना हो इस नंबर पे पहले आप फ़ोन कर लीजिए। जो भी आपके मन में डाउट हो इस नंबर पे फ़ोन करके पूछ लीजिए, 7909004902। अभिषेक सर आपको कंप्लीट जानकारी दे देंगे जो भी आपका डाउट होगा। कौन कौन सा कोर्स है, तो सर ये जो हमारा मैथ्स प्लस रीजनिंग और कैप्सूल सीरीज 2.0, ये दोनों बैच अभी लॉन्च हुआ है। और इसमें जो है इसमें आपका एरिया खत्म हो गया, वॉल्यूम चल रहा है, ठीक है। अभिषेक सर इसमें पढ़ा रहे हैं रेगुलर, इसमें भी रेगुलर आपको बैच मिल रहा है। तो ये दोनों नया बैच है, आप चाहे तो बाय कर सकते हैं। नहीं, अगर इसके साथ साथ आपको सब कुछ चाहिए, मैथ चाहिए, रीजनिंग चाहिए, प्लस कैप्सूल सीरीज चाहिए, प्लस पिछला वाला बैच भी चाहिए, तो ये भी अवेलेबल है। अगर आपको मैथ रीजनिंग और सिर्फ पिछला वाला बैच चाहिए तो ये भी अवेलेबल है। अगर आपको झारखंड हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट के लिए चाहिए तो ये भी अवेलेबल है। अगर आप रेलवे में लगे हैं, एसएससी में लगे हैं, तो ये भी अवेलेबल है। अपने अपने हिसाब से आप जो है देख लीजिएगा। और किसी भी तरह का जानकारी के लिए नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये सारा का सारा कोर्स आपको कहाँ मिलेगा, फोकस स्टडी विद अभी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो आप जो है प्ले स्टोर पे भी सर्च मार सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा इस नंबर पे फ़ोन कर लीजिएगा, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, सारा का सारा सुविधा आपको यहाँ पे उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। आपके व्हाट्सएप पे भी लिंक भेज दिया जाएगा, आपके नंबर पे भी लिंक भेज दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भी तरीके का डाउट आपके मन में हो पढ़ाई को लेके कि सर मैथ पढ़ तो रहे हैं लेकिन बन नहीं रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप सर से मेरा नंबर लेके बात कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके मन में डाउट होगा, जो भी आपका समस्या होगा, पूरा कोशिश करेंगे कि हम इसका सॉल्यूशन आपको दे सके, बशर्ते आपको गंभीरता से तैयारी करना होगा। तो इनमें से कोई भी बैच आपको चाहिए आप परचेज कर सकते हैं, सब कुछ ऐप पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाके एक्सप्लोर कीजिए जो आपके काम का है। और ऐसे मत लीजिए, पहले देख लीजिए, अभी जो इस बैच में जो एरिया हम पढ़ाए हैं पूरा का पूरा एरिया का कंप्लीट वीडियो YouTube पे डाला हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके पहले देखिए कि किस तरीका से हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आपको समझ में आता है कि नहीं ऐसे पढ़ के मेरा भला हो जाएगा,
जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो बन जाएगा, तभी आप परचेज करिए। देखिए हम कोई शॉर्ट्स बनाते नहीं है कि एकदम छोटा छोटा सवाल को आपको हम सेकेंड में सॉल्व करना सिखा दें। सेकेंड से काम नहीं चलेगा, समय ना घंटों देना पड़ेगा तब जाके व्यक्ति कोई चीज़ सीखता है। अगर एक सेकेंड में आपको हम कुछ सिखा पाते तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी होती कि आप एक सेकेंड में सीख तो रहे, तो भाई एक दिन आपके लिए काफ़ी रहता। एक दिन में आप 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे में आप इतना विद्वान बन जाते कि फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है घंटों घंटों पढ़ने की, ना ही पढ़ाने की। तो वो सेकेंड वाला मेथड से सबसे पहले दूर भागिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। रील्स कम से कम देखिए, शॉर्ट्स कम से कम देखिए, वेब सीरीज मत देखिए, IPL तो बिल्कुल मत देखिए, क्रिकेट से एकदम दूर रहिए, दूरी बना के रहिए। फैंटेसी ऐप पे अपना टीम मत लगाइए, अपना टीम मत बनाइए, क्योंकि जब आप टीम लगाते हैं ना तो ये बहुत बड़ा साइकोलॉजी है। आप समझिए, जब आप किसी भी ऐप पे, बहुत सारा ऐप है, किसी का नाम यहाँ लेना ठीक बात नहीं है, ठीक है। तो आप किसी भी ऐप पे जब आप टीम बनाते हैं तो जब से मैच शुरू होता है और जब तक तो ख़त्म नहीं होता है, आप जो है टीम को बार बार देखते रहते हैं, भाई ये बैट्समैन मेरा आउट हो गया, ये बॉलर मेरा आउट हो गया, मेरा कैप्टन पॉइंट नहीं दिया, मेरा वाइस कैप्टन, इस चीज़ को लोग समझ ही नहीं पा रहा है। भाई समझो इस चीज़ को, उससे दूर हटो, अपना करियर पे फोकस करो। वो लोग अपना करियर बना रहा है, आप अपना करियर बिगाड़ रहे हो उनके चक्कर में। क्या लगता है आपको कि आप जो है कुछ पैसे लगा के करोड़ रुपए जीत जाएंगे? भाई जीतेगा, मैथ पढ़ते हो, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, थोड़ा तो सोचो कि अगर कोई गेम में अगर 1.5 करोड़ लोग शामिल है और 1, 2, 3 ही जीतेगा, बाकी सब ऐसे का ऐसे रह जाएगा, तो कितना पॉसिबिलिटी है, थोड़ा सोचो तो सही। तो सोचना है नहीं, बस ऐड देख लिए भिड़ गए। इतने लोग बोल रहे हैं कि ये स्कैम है, समझ ही नहीं आ रहा आपको। आपको समझना होगा ये चीज़, और आज नहीं तो कल देर से ही भले आप समझेंगे, भले आप अपना समय खोने के बाद समझेंगे, लेकिन समझेंगे तो ज़रूर, ठीक है। हम ये नहीं कहते हैं कि कोई भी चीज़ गलत है, गलत नहीं है, किसी हद तक उसमें डूब जाना गलत है, ठीक है। तो कंप्लीट सेट देखिएगा, शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पेन कॉपी लेके बैठिएगा और एक एक क्वेश्चन को साथ साथ लगाते चलिएगा और कमेंट में आंसर करते चलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर देना, इसमें कंजूसी मत करना। पसंद आए तो, अगर ज़्यादा पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और 2-4 मित्रों के पास शेयर मार देना, अपने ग्रुप में शेयर मार देना, कि ताकि मैक्सिमम बच्चों के पास पहुंच जाए। अब एक हम ही तो पढ़ाने वाले खूबसूरत हैं नहीं, पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं। तो भाई मेरा कोशिश ये है कि हम आपको सिखा पाएँ कुछ। अगर हम 1 घंटे का आपको लेक्चर देते हैं जिसको बनाने में 5 से 6 घंटा जाता है मेरा, तो उस 1 घंटे में ना हम आपको कुछ सिखा पाएँ, समझा पाएँ, ठीक है। चाहे तो लाइव आके हम लोग भी पढ़ा सकते हैं, इतना टाइम जाता है उसमें, इतनी कमेंट का जवाब दो, ये देखो वो देखो, गलत नहीं है लेकिन टाइम जाता है। और आप ईमानदारी से बोलिए कि आप कितना सीखते हैं लाइव से, ठीक है। क्या बहुत सारा डाउट आपका रह नहीं जाता है? सर रह जाता है, ऑनलाइन में रह जाता है, लेकिन अगर आप अटेंटिव होके देखेंगे तो कम से कम डाउट रहेगा, और आप थोड़ा सा उस पर मेहनत कर लेंगे तो हो सकता है वो डाउट क्लियर भी हो जाए। और हम तो आपको यहाँ सुविधा भी दिए हैं कि आप इस नंबर पे फ़ोन करके मेरा नंबर ले लो, हमसे बात हो जाएगा। बात समझ रहे हो मेरा? तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना। पहला सवाल आपके सामने है, सवाल को पढ़िए और लगाइए पेन कॉपी, निकाल के बैठो। फिर से कह रहे हैं, पेन कॉपी निकाल के बैठो और सवाल को लगाने का कोशिश करो। नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करो एक बार, ठीक है। और फोन का ब्राइटनेस बढ़ा लो थोड़ा सा, वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लो, सिर्फ रील्स मत देखो, लेक्चर भी देखो, ठीक है। तो कहता है कि इफ द 7-डिजिट नंबर 678P37Q इज डिविजिबल बाय 75 एंड पी इज नॉट अ कंपोजिट, देन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर। अब देखो बड़ा ही सिंपल सवाल है सर, 75 का डिविजिबिलिटी रूल तो आपको नहीं बताए सर, कोई भी नहीं बताएगा, और बताने का मतलब भी नहीं बनता है। बड़ा ही सिंपल सवाल है, जब बड़ा बड़ा नंबर आ जाए, 9 के बाद 12 आ जाए, 15 आ जाए, 50 आ जाए, 100 आ जाए, 99 आ जाए, 98 आ जाए, 93 आ जाए,
भाई उस नंबर का दो को प्राइम फैक्टर कर देना हमेशा। तो अगर हम 75 का दो को प्राइम फैक्टर करें तो आप कहेंगे सर 25 गुना 3 लिख सकते हैं। बोले बहुत अच्छा बात है, मतलब ये जो नंबर है ये 25 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा। अब दो डिविजिबिलिटी रूल आपके सामने लगना है यहाँ पे, 25 का भी और 3 का भी। आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो सुन लीजिए, कोई भी नंबर अगर 25 से डिविजिबल है, बड़ा बड़ा नंबर, छोटा तो हम आसानी से देख लेंगे, बड़ा नंबर, तो उस नंबर का लास्ट का 2 डिजिट 25 से डिविजिबल होगा। इस नंबर का लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 7Q। मतलब ये जो 7 है और Q है, ये कंफर्म है कि ये भी 25 से कटेगा। तो आपसे हम पूछते हैं कि Q के जगह पे क्या रख दे, तो आपका जवाब होगा सर 5 रख दीजिए, 75 हो जाएगा, 25 दिया 75 कट जाएगा। बोले सर Q का वैल्यू तो 5 मिल गया, 3 ऑप्शन में है, मतलब ये मेरा नहीं होगा। आप चाहे तो ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। अब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, तो भाई अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या 9 से डिविजिबल है तो बहुत ही आसान है ना, सारे डिजिट को जोड़ो और देखो कि अगर वो नंबर 3 से कट गया तो भाई ये भी नंबर 3 से कट जाएगा। अगर इन सारे डिजिट का सम 9 से कट गया तो ये भी 9 से कट गया, तो यहाँ तो 3 का जरूरत है। और जो 3 से डायरेक्ट कटता हुआ दिखाई दे उसको हटा दो, जैसे कि 6 3 से गया, 8 और 7 15 3 से गया, उसके बाद 3 3 से गया, 7 और यहाँ क्यों के जगह पे क्या रखेंगे, 5, तो 7 और 5 12 भी 3 से गया। क्या बच गया? सिर्फ P बचा सर, P बचा। अब P का वैल्यू क्या लेना है? बोला है कि P एक भाज्य संख्या नहीं है, तो अगर P के जगह पे 5 रखेंगे तो 5 3 से डिविजिबल है? नहीं, मतलब 5 तो रहेगा नहीं। P के जगह पे 2 रखेंगे तो ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब P के जगह पर क्या रखना पड़ेगा? 3, और ऑप्शन नंबर C आपका आंसर होगा, P के जगह पे 3 होगा, Q के जगह पे 5 होगा। बहुत आसान सवाल है, आपको लगाइए LCM का सवाल है, 2022 में पूछा गया, SSC में पूछा गया सवाल है, बहुत आसान है। देखो LCM का सवाल 2-3 तरीका से पूछा जाता है, एक तो सीधा सीधा नंबर 3-4 नंबर दे देगा, बोलेगा इसका LCM क्या है, फिर आपको पॉइंट वाला दे देगा नंबर, बोलेगा इसका LCM क्या है, और HCF में भी सेम चीज, फिर आपका फ्रैक्शन वाला नंबर दे देगा, बोलेगा इसका LCM या HCF बताओ, फिर ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाला दे देगा, बोलेगा इसका LCM या HCF बताओ। और हर एक चीज आपको बता रहे हैं, अगर आपको हम एक घंटा में, अगर मान लो एक घंटा में अगर हम 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन भी सिखा पाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप वो 12 सवाल सीख गए। अगर आप एक घंटा में अगर आप 60 शॉर्ट्स देखते हैं और आप एक भी ना सीखे तो बेकार है, तो ध्यान से समझिए। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है 8x³ + 80x + 200x + 4x⁴ + 16x³ - 20x² एक बार सवाल मिला ले, सही है, ठीक है, ठीक है। तो भाई इसका LCM, तो भाई LCM कॉमन से पहले इसका कॉमन फैक्टर तो हम कर ले, पहले इसका फैक्टर तो हम कर ले। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी 8 है, 80 में भी 8 है और 200 में भी 8 है। अब देखो यहाँ से x³, यहाँ से x और यहाँ से x, मतलब हम x तो कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से 8x को कॉमन निकाल दे, 8x को हम कॉमन निकाल दे तो यहाँ पे बच जाएगा x² + 10x + 25 = 200, यहाँ पे बच जाएगा 25। अब ये आपको कुछ दिख रहा है, ये आपको कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, हम दिखाते हैं भाई सबको कैसे दिख जाएगा। अब हम आपको ये बात बोले कि क्या आपको ये नहीं दिख रहा, अबे कैसे दिखेगा भाई, हम मेहनत करेंगे, सीखेंगे, सोचेंगे, तब ना दिखना चालू हो जाएगा। तो अब हम आपको दिखाते हैं, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोले सर बहुत अच्छा बात है, और हम 10 को हम क्या 2 × 5 × x लिख सकते हैं, बोले सर लिख सकते हैं, मतलब ये x² + 2 5x, मतलब क्या ये आपको 2ab नहीं दिख रहा है, 2 × a × b,
और ये 5 का स्क्वायर मतलब ये x प्लस 5 का होल स्क्वायर है, मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं 8x इंटू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया इसका फैक्टर। इससे आगे तो बढ़ेगा नहीं, या हम इसी को x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इसको देखो, 4 है, 16 में भी 4 है और 20 में भी 4 है, तो यहाँ से अब ध्यान से देखो, यहाँ से x का पावर 4 है, x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, तो x का पावर 2 तो कॉमन ले सकते हैं, मतलब इससे हम कॉमन ले सकते हैं 4x स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर प्लस 4x, 4x और माइनस का 5 बचेगा। बोले सर सही बात है, अब इसको इसको देखो ध्यान से कि इसके साथ क्या कर सकते हैं, क्या आपको नहीं मालूम? अरे नहीं मालूम है, बताएंगे तब ना मालूम होगा आपको, आप सीखेंगे तब ना मालूम होगा जी, है। तो अब देखो, अब इसको ना गुणनखंड विधि से तोड़ना होगा, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 4x को प्लस 5x माइनस x लिख सकते हैं? बोले सर बिल्कुल। अब देखो यहाँ से हम फिर से अगर हम x को कॉमन लेंगे तो सर यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 5 और इधर बच जाएगा माइनस 1, इधर भी बच जाएगा x प्लस 5, मतलब ये कुछ और नहीं 4x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 बचा। बोले सर सही बात है, अब इसका फैक्टर हो गया। अब ध्यान से दिखाते हैं, इससे और इससे दोनों से हमें कॉमन निकालना है, तो एक एक बात बताते हैं। सब कुछ गुना में है, तो सर यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, आप यही बताओ कि 8 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 8 और 4 का एलसीएम 8 होगा ना, मतलब ना तो सी ना तो डी। एक्स और एक्स स्क्वायर का एलसीएम कितना? एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक्स प्लस 5 का स्क्वायर और एक्स प्लस 5 क्या होगा? तो सर एक्स प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब ये भी गया और ये आपका उत्तर आ गया और एक बचा एक्स माइनस 1, मतलब अच्छा सवाल था। हम नहीं कह रहे हैं कि हम आपको डरा रहे हैं कि हमको बहुत आता है, अरे हाँ हमको बहुत आता तो हम यहाँ नहीं रहते, अगर आपको भी बहुत आता तो आप वहां नहीं रहते। किसी को अगर बहुत आता है तो उसका कोई और जगह बनाया है ऊपर वाला, कहीं और रहता वो। किसी को अगर बहुत आता है तो वो उसको सिखाएगा जो उससे कम आता है, बात तो यही है ना, नेचर ऐसे ही चल रहा है। तो जब तक आप ऐसे नहीं सीखेंगे तब तक आप नहीं सीख सकते हैं। अगर हम यही आपको शॉर्ट के माध्यम से बता देते 50 सेकेंड में 40 सेकेंड में, नहीं समझ में आता आपको। हाँ भले हम बता के चल जाते लेकिन आपको नहीं समझ में आता। सवाल प्रॉफिट लॉस से लगाइए इसको, बहुत आसान सवाल है। कहता है कि वेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वॉज रिड्यूस्ड बाई 20% देन इट्स सेल increased by x percent. If there is an increase of 60% in the receipt of the revenue, then the value of x is. देखो एकदम सिंपल सा बात है कि अगर हम किसी वस्तु का के दाम को घटाते हैं तो उसका सेल बढ़ जाता है, बात यही है। तो आपको अगर हम ये बात बोलें कि अगर हम टोटल सेल में जो हम वस्तु बेच रहे हैं, टोटल सेल में टोटल जितना पैसा आया है, जितना रेवेन्यू आया है, जितना हमारा काउंटर में पैसा आया है, मान लो कि हमारा काउंटर में पैसा आया है 5,000, ठीक है, और हम जो वस्तु बेचे हैं उस वस्तु का दाम जो है, जो हम बेचे हैं वो हम बेचे हैं 100 रुपया में, एक वस्तु का दाम है 100 रुपया, तो सर मेरे पास पैसा आया टोटल बेच बाच के 5,000 और एक वस्तु का दाम है 100 रुपया, तो सर हम कितना वस्तु सेल किए? तो आप कहेंगे सर 0,0 काट दो, 50 वस्तु बेचे हैं, मतलब सेल बराबर रेवेन्यू बटा प्राइस, ये बात आप समझ गए कितना वस्तु बेचे हैं। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके इस सवाल हवा में उड़ाएंगे, ध्यान से समझना। तो पहले मेरा दाम था 100 रुपया मानते हैं और हम 100 रुपया में ही बेचते थे, तो सर हम कितना वस्तु बेचते थे? बोले सर एक ही वस्तु बेचते थे। अब हम दाम घटा दिए,
अब हम दाम घटा दिए, 20% कम कर दिए, तो सर अब हम जो है अब हम 80 रुपया में बेच रहे हैं, 80 रुपया में बेच रहे हैं, और जो मेरे पास पैसा आ रहा है पहले से 60% ज़्यादा आ रहा है। समझिएगा, पहले 100 रुपया आता था, एक वस्तु का दाम 100 रुपया था, ये मेरा रेवेन्यू है और ये मेरा एक वस्तु का दाम है, एक ही वस्तु बेच रहे हैं हम, ठीक है। अब मेरे पास 180 रुपया आ रहा है, देखो 60% ज़्यादा आ रहा है, सॉरी 60% ज़्यादा आ रहा है, अब मेरे पास 160 रुपया आ रहा है भाई, तो 80 दूना 160, अब हम कितना वस्तु बेच दे रहे हैं, 2 वस्तु बेच दे रहे हैं। अब देखो कितना परसेंट का वृद्धि हुआ सेल में भाई, डबल हो गया, डबल हो गया मतलब 100% का वृद्धि हुआ, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 100, मतलब 100%। समझ में आया, बहुत ही सिंपल सवाल है, नहीं समझ में आया फिर से समझ लो। हम पहले 100 रुपया का माल बेचते थे और एक वस्तु का दाम था 100 रुपया, तो हम एक वो बेचते थे, ठीक, एक ही वस्तु को लिए हैं। अब जब हम वस्तु के प्राइस में 20% कम कर दिए, पहले हम 100 में बेचते थे, अब हम 80 में बेच रहे हैं, ठीक है, तब मेरा पैसा जो है 60% मेरा काउंटर में ज़्यादा गिरा पहले से, तो पहले कितना आता था 100, अब कितना आएगा 160, 160 भागा 80, मतलब हम 2 वस्तु बेचे हैं। सर हम पहले एक ही वस्तु बेचते थे, अब हम 2 गो बेच दिए, डबल हो गया, मतलब 100% का वृद्धि हुआ, तो भाई एक्स का वैल्यू क्या, 100% सीधा। जबकि चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, नाम में ही सिंपलिसिटी है, नाम ही साधारण है, तो इसका सॉल्यूशन असाधारण हम क्यों रखें, देखते हैं कि कैसे कैसे। देखो कैलकुलेशन सबका वही होता है, काम करना वही है, लेकिन बेवजह कि ये चीज़ हम बनाए हैं करके बिना मतलब में आपका टाइम वेस्ट करते हैं, इस चीज़ से हमको ना चढ़ गया है, ठीक है। किसी आप पूरी धरती का बात हम करते हैं, पूरा दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोग मैथ पढ़ता है, आप उनको बोलो कि भाई सिंपल इंटरेस्ट, कि आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल के बताओ, उसको एक प्रिंसिपल दो, रेट दो और टाइम दो, बोलो कि भाई आप इसका निकाल के बताओ। अगर कोई भी बिना इस फॉर्मूला का यूज करे कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, इसका यूज किए बिना किसी भी तरीका से, घुमा के या सीधा, अगर इसका यूज किए बिना कोई और तरीका से अगर आपको बता दे तो समझ में आ जाएगा, तो हम फिर छोड़ देंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, बोले भाई हमारा बस का नहीं, हमको नहीं आता है। किसी ना किसी रूप में सब काम करता वही है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट है, हर साल बराबर ब्याज मिलेगा, तो कहता है कि इन व्हाट टाइम विल ₹10,000 एट 4% पर एनम प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एज ₹8,000 डज इन 4 ईयर्स एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। भाई सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, तो ₹10,000 पर 4% के रेट से हमको उतना ही ब्याज चाहिए जितना ब्याज ₹8,000 पर 5% के हिसाब से 4 साल में मिला। सीधा सवाल है, तो आपको मालूम है कि सर हर साल बराबर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, तो अगर हम जो चीज़ जो सब कुछ दिया है ₹8,000 पर 5% के हिसाब से 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो हम आपसे ये पूछ ले कि 4 साल में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, तो आपका जवाब होगा कि सर 5% हर साल मिलता है, तो 4 साल में 20% मिलेगा, प्रिंसिपल का 20%। तो भाई देखो हम काम वही किए ना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और हम क्या बोल रहे हैं कि हम बिना फॉर्मूला का बता देंगे। अरे बुद्धू, बिना फॉर्मूला के बता दोगे, हैं कलेजा है, बोले से होता है। तो अब 5%, तो 4 साल में 5% प्लस 5% प्लस 5%, 5×20%, देखो हुआ कि नहीं, गुना हुआ कि नहीं, हम यही जानना चाहते हैं कि गुना हुआ कि नहीं हुआ। देख लो भाई मेरा बात, अभी हम कुछ वीडियो देखे हैं कि हमको चढ़ गया एकदम, ठीक है। हम आपको अगर 1 घंटा में अगर 10 सवाल सिखा देते हैं तो मेरे लिए कामयाबी के बराबर, एक छोटा सा कामयाबी है कि हाँ हम आपको 10 सवाल सिखा पाए, ठीक है। और अगर ऐसा ऐसा हम 100 प्रैक्टिस सेट लाते हैं और आप सबको फॉलो
करते हैं अच्छे से, एक एक चीज़ को लिखते हैं पढ़ते हैं, तो आप पक्का सीखेंगे। ठीक है, अगर हम इसके जगह पे शॉर्ट में शॉर्ट्स बना दें मज़ा आ जाएगा, बकवास। ठीक है, देखो तो 20%, अब देखो 8,000 रुपये हम उधार लगाए हैं, तो 8,000 का 20% तो सर 10% 800 और 20% 1600, यहाँ से हमको 1600 रुपया ब्याज मिला। और यही 1600 रुपया ब्याज हमको 10,000 से भी चाहिए, बोले सर सही बात है, कितना साल में चाहिए वही पूछा है। तो देखो अगर हम 10,000 रुपया उधार दिए हैं और मेरा 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो सर एक साल में कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 10,000 का 4% मतलब 400 रुपया, तो सर इससे हमको 400 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा 10,000 से। देखो बतिया वही है ना भाई, बात वही है, हमको कितना चाहिए 1600, हर साल हमको कितना मिल रहा है 400, तो क्या आपको अब आपको टाइम लगेगा कि सर हर साल 400 मिल रहा है तो 1600 कितना साल में, सर 4 साल में, खत्म कहानी। बोलो, समझाने का यही फायदा है कि हर साल हमको 400 मिलेगा, 10,000 का 4% 400 मिलेगा और हमको चाहिए 1600, तो सर कितना साल लगेगा, 4 साल लगेगा, 400 × 4 साल 1600 रुपया मिल गया। बढ़िए और बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए पहले क्या पूछता था कि कोई चार नंबर है और चारों नंबर में अगर हम x घटाते हैं तो चारों का चारों नंबर जो है समान अनुपात में हो जाता है, सेम प्रोपोर्शन में हो जाता है, तो x का वैल्यू आपसे पूछ देता था। लेकिन इसमें क्या किया है दो साल से तीन साल से कि अब x के साथ दो नंबर बना देता है और इसका रेशियो पूछ देता है, तो बहुत ही आसान है कंसेप्ट, तो पहले वाला है। अब हम इसको बोलेंगे कि ले हम सेकंड में बता दे रहे हैं, बना लेना तुम भी, बना लोगे तुम इसको सेकंड में, नहीं बनेगा। ठीक है, बात को समझो। तो समान अनुपात का मतलब क्या है कि इन सारे नंबर में हम x को घटा दिए, तो भाई समान अनुपात का मतलब क्या है मालूम, देखो थोड़ा समझा देते हैं, समझ लो, मेरा मकसद है आपको सिखाना और समझाना। तो अगर हम देखो ध्यान से देखो कि अगर हम 54 में भी x घटा दे रहे हैं, ठीक है, और 49 में भी x घटा दे रहे हैं, ठीक है, और 22 में भी हम x घटा दे रहे हैं, ठीक है, और 21 में भी हम x घटा दे रहे हैं, तो ये सारा का सारा नंबर समान अनुपात में है, मतलब इसका अनुपात बराबर, इन दोनों का अनुपात क्या है, बराबर है। समानुपात का चिन्ह लगता है चार डॉट, मतलब बराबर, दोनों तरफ क्या है, बराबर अनुपात है। ठीक है, अब सर x क्या है, तो देखो जरा ध्यान से समझो, अब जब इसको आप ऐसे लिखोगे, देखो ये बस समझाने के लिए था मेरे भाई, नहीं तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे, ये यही चीज ना है भाई, अनुपात का मतलब क्या, भागा 21 माइनस एक्स, यही चीज है। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर तो मिलेगा और वो आपके कैलकुलेशन को बढ़ा देगा। तो यहीं पे आपको हम एक कंसेप्ट बताते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का, वो होता क्या है कि सर ऊपर वाले नंबर में नीचे वाले को एक बार जोड़ दो और ऊपर वाले नंबर में नीचे वाले नंबर को एक बार घटा दो, तो जो मेरा हर होता है, जो मेरा डिनोमिनेटर होता है, वो समाप्त हो जाता है या तो आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। तो यहाँ पे सी एंड डी रूल लगेगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब देखो 54 माइनस एक्स में 49 माइनस एक्स को जोड़ना है, तो ये 9 × 4 = 13 हो जाएगा, 103 यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 103 और ये माइनस का 2x हो जाएगा, बट्टा अब देखो ऊपर वाला में नीचे वाला को घटाना है, तो भाई जैसे ही घटाएंगे तो ये x और x तो आपका कट जाएगा और 54 में 49 गया तो कितना, नीचे आपका 5 बचेगा, बराबर सेम कहानी यहाँ पे, तो 21 और 22 43 हो जाएगा और माइनस का 2x हो जाएगा अपॉन नीचे में 22 में 21 गया तो 1 बच जाएगा। अब कुछ नहीं, अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, ठीक है, तो ये 103 माइनस 2x, देखो 103 माइनस 2x बराबर 5 इधर से गुना, तो 40 × 25 = 200 और 5 × 3 = 15 215 माइनस 5 × 10x, जरा ध्यान से देखो 215 में आपका कितना गया सर, इधर से इधर आपका हो गया 8x,
इधर हो गया आपका 8x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका 215 में से 103 गया। अच्छा हम कुछ नंबर गलत नहीं ना लिखे भाई, 21 है, 54 49 और 22 21 54 49 22 19, क्योंकि 5 6 7 सवाल एक ही जैसा है, ठीक है। और इधर आपका बच गया सर 100 में 100 गया 100 और 15 में 3 गया 112, तो ये x का वैल्यू क्या आ गया, 14 आ गया। अब वो 14 नंबर था जो सब में घटाएंगे, अब घटा के देख लेना 54 माइनस एक्स 49 माइनस एक्स और 22 माइनस एक्स और 21 माइनस एक्स, सब में 14 घटा देना, आपको रेशियो बराबर मिलेगा। अभी आपको हम समझा भी देंगे ये चीज़। बहुत लोग आपको क्या बोलेंगे कि आप ना यहाँ पे वैल्यू सोचो, तो वैल्यू सोचना गलत नहीं है, कब सोचना है इसको जानो। जब इसी एक्स का वैल्यू आपसे पूछ देगा चारों ऑप्शन में, तब सोचना है, तब चार ही नंबर आपको सोचना है। अगर हम यहां आपको बोले कि आप एक्स का वैल्यू सोचो, तो क्या सोचोगे आप, 1 2 3 4 5 6 कितना नंबर सोचोगे। जब इसी एक्स का वैल्यू पूछ देगा कि सर एक्स का मान क्या है, तब वैल्यू सोचना, वो काम करेगा। तो एक्स का मान तो पूछा नहीं है, हाँ x का मान यहाँ पे रखना है। तो 14 8 बरियोतल से 112 में 25 गया, तो सर 87 बचा, ये आपका 87 आया, अनुपात पूछा है। और 14 25 70 14 6 84 14 97 98 98 में 26 गया ना, तो 98 में 26 गया, 98 में पहले 20 घटा लो, कितना पे पहुंच गए 76 पे, फिर वहां से 2 घटा लो 78 76, यही ना आया भाई, काट दो 7 6 13 कितना जाएगा। हम कुछ गलत तो नहीं लिखे ना, तो 14 7 अरे भाई सही है ना, 14 7 98 में 26 गया, तो ये 2, अरे सॉरी गलत, हम 72 होगा, सॉरी यहाँ पे 72 होगा। अब इसको काट दो, 3 से जाएगा 29 और 24, तो 29:24 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो इस चीज़ को वेरीफाई करवा देते हैं, समझ लो, अगर हम सब में 14 14 घटा दें, यहाँ पे आपको सी एन डी लगाना है, ये याद रखना, ये चीज़ याद रखना, नहीं तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जहाँ किए आपका कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और एग्जामिनर चाहता भी है कि आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 54 को 22 से गुना करिए, 49 को 22 से गुना करिए, फिर 49 को x को गुना करिए, फिर x को 22 से लंबा चला जाएगा। तो यहाँ पे सी एन डी आपको याद रखना है, सी एन डी रूल लगाना है आपको, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि कहाँ लगेगा नहीं लगेगा, इसका समझदारी होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप सब में 54 अगर आप सब में 14 14 घटा दो, तो देखो दोनों तरफ का रेशियो सेम हो जाता है, ध्यान से समझना भाई मेरे। 54 में 14 गया, यहाँ पे कितना बचेगा 40। 49 में 14 गया, 49 में 14 गया तो कितना बचेगा 35 बराबर। 22 में 14 गया, 22 में 14 गया तो 8 बचेगा अनुपात। 21 में 14 गया 7 बचेगा, देखो इसको हम क्या लिखेंगे 8/7, इसको 25 8 40 और 5 7 35, ये भी हो गया 8/7, यही तो है समान अनुपात, ठीक है, बात समझ में है। तो अब ये नंबर ढूंढने के लिए आप यहाँ वैल्यू नहीं सोचिएगा, वैल्यू कब सोचिएगा, जब चारों ऑप्शन में इसी एक्स का वैल्यू पूछ देगा कि एक्स कि वो घटाई जाने वाली संख्या क्या है या जोड़ी जाने वाली संख्या क्या है, तब बात को समझे। तो भाई एकदम ध्यान से बारीक ज्ञान आप एज वाले सवाल में, लोग कहते हैं कि रेशियो मेथड से एकदम बिना सवाल देखे आप सवाल बना लो, भाई हम कहते हैं कि पहले लॉजिक तो लगा लो, पहले सोचो तो सही कि सवाल कहता क्या है। कहता है कि द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज 5 times द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर सविता, 7 years फ्रॉम नाउ रहीम विल बी 3 times एज ओल्ड एज सविता, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम। बड़ा सिंपल सा सवाल है, रहीम की आयु उसकी पुत्री सविता की आयु से
5 गुना है। 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु से 3 गुना होगा। रहीम की वर्तमान आयु क्या है? तो एज का सवाल है। सबसे पहले अपना एज का ख्याल रखो कि आप अभी कितना एज है, उस हिसाब से आपका अचीवमेंट क्या है, इसको ध्यान रखो। उम्र बढ़ रहा है भाई, समस्या ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ख्याल रखो, मेहनत करो, जम के पढ़ो, तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। और हाँ देखो, हम साफ कहते हैं, पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है छोड़ दीजिए। हमको भी जिस दिन लगेगा कि नहीं पढ़ाना है तो भाई छोड़ देंगे, कोई और काम धाम देखेंगे, कुछ ना कुछ तो करना होगा खाने के लिए। क्योंकि इसको ना आपसे मतलब ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इसको खाना चाहिए तभी ये चलेगा शरीर, नहीं तो खत्म कहानी। ठीक है, एक बात आपसे हम पूछते हैं, ना एक्स मानेंगे ना वाई मानेंगे। ऐसा नहीं कि सर सवाल आप छांट के लाएं, भाई कोई भी सवाल आप ला के दो। जहां पे कोई रास्ता नहीं काम करेगा वहीं पे माना जाएगा, जहां पे सब कुछ साथ छोड़ देगा, ऑप्शन साथ छोड़ देगा, डाटा साथ छोड़ देगा, वहीं पे माना जाएगा। वो सवाल एकदम प्योर बेसिक से होगा, लॉजिक से नहीं होगा। अब इसको सवाल को ध्यान से देखो, कहता है कि उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का 5 गुना है। तो एक बात बताओ, सिंपल सा बात पूछते हैं कि अगर मान लो कि अगर रहीम का उसकी बेटी अगर 4 साल की है तो भाई उसका बाप इसका 5 गुना 20 साल का होगा। बोलो हाँ कि ना। मतलब जो बाप का अभी उम्र है उसको जो है बेटी का उम्र से भाग लगाएंगे तो वो पूरा कट जाएगा, 4 का मल्टीपल है 5। बोले सर सही बात है। अब यही लॉजिक अगर हम इसमें देखें कि उसकी पुत्री जो सविता है उसकी आयु का 5 गुना है, तो सर कौन कौन सा नंबर 5 से कटेगा? तो आप कहेंगे सर 45, 35, 40, 42 नहीं जाएगा, मतलब 42 मेरा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि रहीम का वर्तमान आयु ही तो पूछा है, तो 5 से तो भागा जाएगा। अब ध्यान से समझना बात। कहता है कि अब से 7 साल बाद रहीम की आयु सविता की आयु से 3 गुना होगा। ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं, पहले कंडीशन पे आते हैं। अगर रहीम 45 साल का है तो सर इसका और उसकी बेटी का 5 गुना है ये, तो उसकी बेटी 9 साल की है। बोले हाँ सही बात है, 9 साल की है। ठीक है, अब देखो कहता है अब से 7 साल बाद, अब दूसरा वाला कंडीशन 7 साल बाद, पर 7 साल इसका भी उम्र बढ़ेगा, ये हो जाएगा 52 साल का और ये हो जाएगी 9, 7, 16। क्या 16 का 3 गुना 52 है? बोले सर नहीं है, खत्म करो कहानी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है, लॉजिक लगा देना है। अगर रहीम 35 साल का है तो बोलो सविता 7 साल की होगी कि नहीं, क्योंकि 7 का 5 गुना 35 होता है। ठीक है, अब से 7 साल बाद इसका उम्र 7 साल बढ़ेगा, भाई सबका ना उम्र बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 42 साल का और ये 7 साल बाद हो जाएगी 14 साल का। देखो 14 का 3 गुना 42 है। बोले सर है, उत्तर ही आपका हो गया। हम कुछ गलत बताएं आपको? एकदम प्योर लॉजिक बताएं। कैलकुलेशन में टाइम लगा? नहीं लगा। एक्स वाई माने? नहीं माने। रेशियो बनाना सिखाएं? नहीं सिखाएं। ये तो सबसे हो जाएगा ना? बोलो हाँ कि ना, सबसे हो जाएगा। और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करो यार, से बढ़िए। कई बार ऐसा सवाल पूछा गया है। ठीक है, इस सवाल को करने का 3-4 मेथड है, उसमें से अगर इस सवाल को आप डेविएशन मेथड से लगाओगे तो कन्फ्यूजन पक्का होगा और कैलकुलेशन के आखिरी स्टेप में आपको बेसिक से जाना ही होगा। अगर उससे भी पहले, अगर आप सबसे पहले करना चाहते हो तो भाई वही बचता है अपना कंसेप्ट और लॉजिक, जितना मजबूत है उतना मजबूती से, उतना जल्दी से हम सवाल को तोड़ देंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, किधर गेमरा मार। ठीक है, कहता है कि 12 संख्याओं का जो एवरेज है वो 42 है, तो सर 12 संख्या को जोड़ा और उसको 12 से भाग दिया तो भाई 42, 12 डिफरेंट नंबर को जोड़ा और उसको 12 से भाग दे तो 42 आया। मतलब अगर हम 12 को 42 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 संख्या का जोड़ होगा वो आ जाएगा। कर दो तो 12 दूना 24 का 4, 12 चौके 48 और 2 50, 504, मतलब 12 संख्या को जोड़ने पर 504 मिला। ठीक है जी, अब कहता है कि अंतिम 5 संख्याओं का, लास्ट से 5 संख्या, भाई मेरे 12 संख्या ऐसे ऐसे होगा ना,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये आपका 12 संख्या है। अंतिम पाँच, एक दो तीन चार पाँच, जब इन पाँचों को जोड़ के 5 से भाग दिया गया तब एवरेज 40 आया। बोलो इन पाँचों का जोड़ कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 5 चौके 20, 200। कोई दिक्कत? 200 है। कहता है कि और पहली चार एक दो तीन चार, पहली चार संख्या को जब जोड़ें और 4 से भाग दिए तब आपका एवरेज आया 44। मतलब 4 चौके 16 और 1 17 176। मतलब पहली चार संख्या का जोड़ 176 और अंतिम पांच संख्या का जोड़ 200। तो भाई मेरे एक बात बताओ, अब बीच में कौन कौन सा नंबर बचा? पांचवा छठा और सातवां। और उसी के बारे में एक लाइन और इन्फॉर्मेशन दिया है। तो सबसे पहले हम अब यहाँ से निकाल सकते हैं कि पांचवा छठा और सातवां संख्या को जोड़ने से कितना मिला। कैसे निकालेंगे? पहला चार नंबर और आखिरी पांच नंबर का टोटल कितना? 200 और एक 376। तो 500 में अगर हम 376 को घटा दें तो सर कितना मिलेगा? 14 में 6 गया 8 मिला, और यहाँ पर 9 में 7 गया 2, सर 128 मिला। 128 किसका जोड़ है? पांचवा छठा और सातवां संख्या, ये 5 6 और। तो भाई ये फिफ्थ नंबर है, ये सिक्स्थ नंबर है और ये सेवेंथ नंबर है। देखना कितना आसानी से हो जाता है बेसिक से, ठीक है? बिना मतलब में आप पागल होते रहते हैं, ये ट्रिक वो ट्रिक, और कोई भी सवाल ट्रिक से करता हो कैलकुलेशन वहीं से होके गुजरता है जहाँ से बेसिक बना है, ठीक है? आपको वो चीज़ भले दिखता नहीं है क्योंकि आप उसके पीछे के कहानी को जानते नहीं है। अब ध्यान दो, कहता है कि इन तीनों संख्याओं का जोड़ कितना हो गया सर? 128। अभी इसको रहने दो। अब कहता है कि छठी संख्या पांचवी से 6 कम है। ये जो छठी संख्या है ना पांचवी से 6 कम है, इसका मतलब छठी संख्या जो है छठी संख्या से पांचवा 6 ज़्यादा है। अगर हम छठी संख्या को x माने तो पांचवी संख्या x प्लस 6 होगा। बोले सर सही बात है। और सातवीं से 5 कम है, ये जो छठी संख्या है ना सातवीं से 5 कम है, मतलब सातवीं छठी से 5 ज़्यादा है, मतलब हम इसको x प्लस 5। बेसिक तो यहाँ से करना ही पड़ेगा और डेविएशन वाला में भी करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब इन्हीं का जोड़ना 128 है। जोड़ो x x x 3x प्लस 6 5 11 बराबर कितना है सर? 128। इधर 11 घटा दो, 3x बराबर इधर 7 1 117, x से भागा दो सर, 3 से 3 तिहाई 9 और 3 नवा 27, x मेरा कितना आया? 39। अगर x 39 है तो छठी संख्या 39 है, पांचवी संख्या 39 और 6 45 है, और सातवीं संख्या 39 और 5 44 है। ये लो मिल गया। अब पूछा क्या है कि पांचवी संख्या और सातवीं संख्या का औसत। देखो पांचवी संख्या 45 है और सातवीं संख्या 44 है, 44 और 45 है सर, इनका एवरेज क्या होगा इनका बीच वाला? तो सर 44 और 45 के बीच में क्या 44.5 आएगा, सीधा आपका उत्तर हो गया, देख लो। और डेविएशन में इधर प्लस 2 इधर माइनस 2 उधर प्लस 2 इधर माइनस 2 फंस जाओगे। हम नहीं कहते कि डेविएशन खराब है भाई, उसको भी लगाने का पर्टिकुलर सवाल है, बहुत सारा सवाल है, आप सब में लगा सकते हो झोल झाल करके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारा सवाल में वो आपको उलझन सा लगेगा। तो ये जो अपना बेसिक है कितना कैलकुलेशन है इसमें, बहुत थोड़ा सा। 12 संख्या का औसत भाई, 12 संख्या का टोटल जोड़ 504, पीछे से 5 40 मतलब 200, आगे से 4 44 मतलब 176, टोटल 376 घटा दिए। तो भाई बीच का तीन संख्या का जोड़ 128। अब तीन संख्या कौन बचा? पांचवी छठी और सातवीं। अब उनके बारे में अलग से दे दिया है, ख़त्म कहानी। अब आप देख लेना, इस चीज़ को समझना, उसके बाद सवाल बनाना, वो भी देख लीजिए। सॉल्यूशन इसका लिख दिए हैं, समझाना जरूरी है, ठीक है? देखो अभी का टाइम जो है ना पीपीटी मोड में सब कुछ चल रहा है, और भाई जीके जीएस वाला के लिए और भी आसान है, सब कुछ लिख के पीपीटी बना दिया, बस ऐसे आके ऐसे 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 समझा दिए।
बहुत आसान हो गया है पढ़ाना अभी। आप समझिए कि कोई भी पढ़ के पढ़ाना कौन सा बड़ा बात है। अगर आपको भी बोला जाए कि नहीं आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाना है, सब कुछ आपको पीपीटी बना हुआ है, इधर भारत है, उधर पाकिस्तान है, उधर चाइना है, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, ये बाउंड्री है, ठीक है। देखो इस सवाल को समझो, तो सवाल जो है कहता है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ y, व्हेन x इज 12 देन y इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 3। x y के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। देखो इंग्लिश वाला के लिए तो समझना आसान हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इसको ऐसे समझो कि पापा के पास ज्यादा पैसा रहेगा आपको भी खर्चा में ज़्यादा मिलेगा, पापा के पास कम पैसा आएगा आपको भी खर्चा कम मिलेगा। बोले बाबू कम कमा रहे हैं तो तुम इतने में काम चला, बोले बाबू हम मच के कमा रहे एकदम तो खर्चा तुम भी एकदम उड़ाओगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होना, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि एक्स जो है वाई के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये चीज बोला है। और बोलता है कि जब एक्स 12 होगा तो y आपका 2 होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू आप बताइए जब y मेरा 3 होगा। तो हम इसके लिए x बराबर एक कांस्टेंट माने के वाई स्क्वायर, x बराबर के वाई स्क्वायर। पहला कंडीशन में y का वैल्यू 2 दिया है और x का वैल्यू 12 दिया है, रख दिए k का वैल्यू 3 निकल के आ गया। दूसरा कंडीशन में भी x बराबर के वाई स्क्वायर, x बराबर के वाई स्क्वायर फिर से रखें। अब x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू 2 है, k का वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे 3, x बराबर सीधा आ जाएगा 27। तो इस चीज़ को ना समझना होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है और उसका कनेक्शन कैसे है। सीधा नहीं है, y के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x, बात समझ में आए। तो ये चीज़ आपको बोर्ड पे लिखा है, ठीक है। दो सवाल में एक सवाल का आंसर आपको कमेंट में देना है। 1.6 × 1.6 × 1.6 − 0.6 × 0.6 × 0.6 और ये, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको मालूम है सर, ये AQ − BQ वाला फॉर्मूला पे बन जाएगा, AQ − BQ वाला फॉर्मूला पे बन जाएगा। प्राचीन काल से ये सवाल पूछते आ रहा है और आज भी पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि 1.6 का क्यूब और 0.6 का क्यूब और फिर यहाँ 1.6 का स्क्वायर और इसको और यहाँ ऐसे करके आंसर निकालेंगे तब भी उत्तर वही आएगा, ठीक है। तो इसको तो इस फॉर्मूला से आप बना दीजिएगा। इस सवाल को देखिए, 1 − sin 3θ / 1 + sin 3θ पे रूट लगा देना, लगा के बोला कि भाई इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको हम बताते हैं। तो इसको थोड़ा सा आसान हम कर देते हैं। 3θ की जगह पर हम मान लो एक्स वाई कुछ भी मान लो कि हम ए मान लिए, 3θ की जगह पे हम ए मान लिए, तो ये हमको अब दिखाई देगा 1 − sin a / 1 + sin a। अब ये कैसे सॉल्व होगा, रेलवे के बैच में जो हम त्रिभुज बताए हैं अभी हाल फिलहाल, तो त्रिभुज का कंप्लीट लेक्चर यूट्यूब पे है, आप देखना, उसमें कंसेप्ट वाले पार्ट में आपको हम ये वाला चीज़ डिटेल में बताए हैं, ठीक है। आप लोगों को भी बताएंगे, डरना मत। तो भाई एक बात बताओ कि 1 − sin a / 1 + sin a कैसे हटेगा, रूट ऊपर नीचे रेशनलाइज करना होगा, किससे रेशनलाइज करोगे भाई। तो ये सर हम करेंगे 1 − sin a, क्योंकि अब 3θ मेरा क्या है, a है, और ऊपर 1 − sin a, यही ना होगा मेरे भाई, 3θ मेरा क्या है, a है। अब ऊपर मेरा क्या हो जाएगा, 1 − sin a² नीचे मेरा क्या हो जाएगा, 1 + sin a × 1 − sin a, क्या a + b × a − b क्या होता है, a² − b² मतलब 1 − sin² और 1 − sin² क्या होता है, cos² मतलब ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट आपका कैंसल हो गया, मतलब ऊपर बचा 1 − sin a और नीचे बचा कोस ए, यही बचा। अब ध्यान से देखो, अगर इसको हम तोड़ देते हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 − cos a − sin a / cos a यही लिखेंगे, बोले सर बिल्कुल। और 1 − cos a क्या होता है, तो सर sec a होता है, और sin / cos क्या होता है, tan a होता है। ऑप्शन में
देखो sec a माइनस sec माइनस 10 कहाँ है, a की जगह पे 3 थीटा लगा के देखना। तो सर sec 3 थीटा माइनस 10 a नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका जवाब आप दीजिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लो ये भी बता दिए। तो ऊपर से ए स्क्वायर ऊपर हम क्या लिखेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू इसको लिखेंगे, और सर नीचे मेरा क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा ए माइनस बी, मतलब 1.6 माइनस 0.6 1 इसका किलो। ये भी बता दिए, इसका उत्तर आ गया। ठीक है, तो ये था आपका आज का जबरदस्त वाला सेट। सीखिए, एक एक चीज़ को सीखिए, सीखते सीखते देखो बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब अचानक से ऐसा चमत्कार कुछ हो जाएगा, सोए रहेंगे कि आपको पूरा सब कुछ आने लगेगा कि अब तो एग्ज़ाम निकाल लेना, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आए। मिलते हैं इसी टाइप के अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद। और मेरे भाई सुनो, सपोर्ट दो, शेयर मारो वीडियो को। ठीक है, शेयर मारो मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रुप्स में, जो भी आपके फ़ोन में होगा, आपके फ़ोन में तो कितना ग्रुप बना रहता है, ठीक है, उनमें एक बार शेयर मार दो कि ताकि हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके। अरे हर एक तक ना पहुंचे, जितना पढ़ने वाला है उसमें से 10% लोगों के पास भी तो पहुँचा दो, जो जेन्युइन पढ़ने वाला है, जिनको सिलेक्शन की ज़रूरत है उनके पास तो पहुँचा दो। इतना काम हो जाएगा आपसे, आपके भरोसे छोड़ते हैं।